अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। एक बाप अपनी इकलौती बेटी को कैसे मार सकता है? ये तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। सवालों के जवाब देना पसंद करेंगे आप? नहीं रोहिंग, इसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका एतराफ़ जुर्म करवाओ और लॉकअप कर दो इसको। सर, ये साइमा के कत्ल में अकेला शामिल नहीं था, इसकी बीवी भी शामिल है। साहब, मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया। हम कैसे मान लें? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? सच बोलकर। सच ही तो बोल रहा हूं। झूठ झूठ। देखो सलीम, सच सच बता दो। उस रोज मेरी बेटी की रुखसती का दिन था। मेरी बीवी जब सुबह उसे उठाने गई तो वो सांस नहीं ले रही थी। सर, लगता है इस बुड्ढे की याददाश्त कमजोर हो गई है। रुखसती से एक हफ्ता पहले इसकी बेटी घर से भाग गई थी और रुखसती का झूठा बहाना करके ये अपनी बेटी को वापस घर ले आया था और ठीक रुखसती वाले दिन इसने अपनी बेटी को जहर देके मार डाला। बेटियां तो बाप की जान होती हैं, तुमने अपनी बेटी की जान ही ले ली। फहीम जी, फहीम एक बात बताओ, साइमा को कब से जानते हो तुम? इंसाफ से कहां मिले? फेसबुक पर मिले थे हम। हे साइमा और मैं, साइमा और मैं 2 साल से दोस्त थे। फिर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। साइमा अपने अबू से बहुत डरती थी। साइमा ने बहुत कोशिश की अपने हमारी शादी के बारे में अपने अबू को बताने की, लेकिन डर के मारे बता नहीं पाई। साल पहले उसने हिम्मत की और अपनी अम्मी को बताया, लेकिन जब उस अबू को पता चला तो उस हैवान ने मारा। हमने तय कर लिया था कि मैं उसे घर से भगा लूंगा और हम निकाह कर लेंगे। तुम्हारे घर वालों को शादी से मसला नहीं था? नहीं। अच्छा, तुम दोनों ने निकाह कर लिया, उसके बाद? जब साइमा के घर वालों को पता चला कि साइमा घर पे नहीं है तो उसके अम्मी अबू मेरे घर आ गए और बहुत तमाशा किया। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अबू तो दुबई में। और कौन कौन है फैमिली में? अम्मी का इंतकाल हो गया। बहन भाई? इकलौता हूँ। तुम्हारे अबू को निकाह का पता था? ठीक,
अच्छा एक बात बताओ, जब साइमा के घर वाले आए तो तुमने क्या किया? मैंने अंदर बुला लिया और टिकानामा दिखाया। साइमा के अबू ने मेरे अबू से फोन पे बात भी की। साइमा के अबू ने कहा कि हम एक हफ्ते बाद रुखसती करेंगे। मेरे अबू ने कहा कि गरीब लोग हैं, इनके पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपने बेटे को साथ ले जाना चाह रहे हैं और मुनासिब तरीके से रुखसती करना चाह रहे हैं। साइमा साथ नहीं जाना चाहती थी। तुम्हारी बीवी जब नहीं जाना चाहती थी तो तुमने उसे क्यों भेजा? साइमा के अम्मी अबू मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे, मेरे पैर पड़ने लगे, तो मैं क्या करता? अच्छा, फहीम, क्या तुम्हारे वालिद से बात हो सकती है? जी सर। ये नंबर है। रूमी फहीम के वालिद का भी सेम बयान है। सर, उस बुड्ढे को उल्टा लटकाने की इजाजत दे दे। रूमी, तुम कहानी का एक ही पहलू देख रहे हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मरने की वजह क्या लिखी है? सर, रैट पॉइजन। कितने मिकदार? डबल डोज। मतलब बचने के कोई चांसेस नहीं रहे। कितना जालिम बाप है। रूमी, हम इस केस को एक ही जाविये से देख रहे हैं। बहस करने के लिए अगर हम मान भी लें कि साइमा ने खुदकुशी की है तो सर, एक लड़की अगर अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है तो वह ऐसा कदम क्यों उठाएगी? जब वो घर से भागने का कदम उठा सकती है तो खुदकुशी क्यों नहीं? सर, फिर तो केस साफ है, गैरत के नाम पे कतन। ऑनर के लिए। जी सर। साइमा की वालदा होश में आएंगे? सर, होश में तो है लेकिन होश में नहीं है। मतलब? सर, जिंदा लाश है, ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। मकतूल की वालदा बात नहीं कर रही है। वालिद लॉकअप है और फहीम से तफ्तीश हो चुकी है और फहीम का बाप दुबई में है। सर, एक सवाल पूछूं? सर, फहीम इकलौता बेटा है, इसकी वालदा भी नहीं है, तो फिर भी एक बाप अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं आया? रूही, फहीम के वालिद ने दुबई में दूसरी शादी की हुई है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए फहीम इतना ज़रूरी नहीं है। फहीम साहब, क्या बताना पसंद करेंगे आप? कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं आपकी? जी क्या बच्चे? सर, मेरी वाइफ को उसके बाप ने मार दिया है और आप लोग उसको पकड़ने के बजाय आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। फहीम, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, काम है हमारा, ये तफ्तीश कर रहे हैं हम। गलत तफ्तीश कर रहे हैं सर। हम गलत बंदे से तफ्तीश नहीं कर रहे बल्कि गलत इंसान से तफ्तीश कर रहे हैं। इसका मतलब सही तफ्तीश कर रहे हैं। जी क्या लगाई हुई है? इसके अलावा तुझे कुछ नहीं आता? मैडम, देखें। दिखाओ नहीं, बताओ कि साइमा से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं तुम्हारी? इस सवाल का साइमा से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, फोन दो अपना। सर। अबे, तुझे समझ नहीं आई क्या? फोन दे। पासवर्ड लगा। सर, कुछ नहीं है। ठीक से चेक किया तुमने? यस सर। इसका मतलब है फहीम को जाने दे। यस सर, जाने दे सर। पर सर, एक चीज समझ नहीं आ रही। क्या? सर, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी शादी होनी हो तो क्या रुखसती से पहले अपने शोहर से फोन पे बात नहीं करूंगी क्या? क्या? मतलब ये कि सर, साइमा का एक भी मैसेज नहीं है इसमें। मेरी साइमा से कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन साइमा को फोन तो कुछ और कह रहा है।
मैडम ऐसा कुछ नहीं है। ये बता कि तूने ये फोन कब लिया था, ये फोन कब खरीदा था? साल हो गए होगा। फोन तो बिल्कुल साली है, ऐसे लग रहा है कि डब्बा पैक है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आजाद हूँ। साइमा ने ये व्हाट्सएप पे तुम्हें आखिरी बार मैसेज क्यों किया बता? मैं नहीं जानता। रूमी एक काम करो, इसका मोबाइल साइबर यूनिट पे भेज दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ पाइम, तुम भी साइमा के कत्ल में मशकूक हो। देखो सलीम, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। सर आप लिहाज करें या ना करें, मैं लिहाज नहीं करूंगी। रोमी प्लीज। सर ये एक बेहिस इंसान है, मैं तो कहती हूँ इंसान ही नहीं है, जिसने अपनी इकलौती बेटी को मार डाला। मैंने अपनी इकलौती बेटी को नहीं मारा। चीखो मत। मैंने सायमा को नहीं मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। जब सायमा ने तुमसे अपनी शादी की बात की तो तुमने उसे मारा? मारा लेकिन जान से नहीं मारा। क्यों मारा? हमारे खानदान में पसंद की शादी नहीं की जाती। तभी जब उसने लव मैरिज कर ली तो तुमसे रहा नहीं गया, तुमने उसे जहर दे के जान से मार दिया। और साइमा निकाह के बाद तुम्हारे घर वापस नहीं जाना चाहती थी, फिर भी तुम उसे जबरदस्ती वापस ले गए। हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अपने घर लाया था ताकि उसे इज्जत से रुखसत कर सकूं। सर। हाँ क्या बना? सर फिलहाल खुश नहीं। साफ साफ बोलो। सर कोई ऐसा डाटा रिट्रीव नहीं हुआ जो हमारे काम आ सके, या तो ये फोन उसका नहीं है या फिर ये कोई नेक लड़का है। भाई तुम जा सकते हो। I'm sorry फहीम, ये एक फॉर्मेलिटी थी, हमने बिला वजह तुम पे शक किया। ये लो तुम्हारा फोन। ठीक है सर, थैंक यू। फहीम जी। पूछोगे नहीं कि साइमा की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कातिल ना, साइमा के अब्बू। नो हिर रोवी। ये क्या है? सही सीवीआर है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इस लिस्ट में कुछ ऐसा नहीं है जो मशकूक हो। सर बस नॉर्मल कॉल्स हैं। इस फहीम का कोई भी नहीं है कराची में। सर कुछ दोस्त हैं। इस नंबर पे बहुत फ्रीक्वेंट कॉल्स हैं। सर ऐसे तो बहुत नंबर्स पे कॉल्स हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। रूमी ये वाला नंबर किसका है? सर ये इसके किसी दोस्त का नंबर है। बुलाओ। जी सर। रुको एक काम करो, इस नंबर की लोकेशन निकालो। ठीक है सर।
ये गाड़ी तो फहीम की है, तुम्हारे पास क्या कर रही है? हाँ तो फहीम मेरा दोस्त है। उसकी होने वाली बीवी मर गई है, तुम्हें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था, तुम उसकी गाड़ी लेकर घूम रहे हो। नहीं सर, वो उसी के पास जा रहा था। फोन कर ले उसे। आमिर, अगर सच बोलोगे तो यहीं छोड़ देंगे, और अगर झूठ बोलोगे तो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। साइमा और फहीम का कैसा रिश्ता था? सर वो दोनों तो आपस में प्यार करते थे। यही मोड़ दोगे तुझे, सच बोल। सर रुकिए। आमिर सच सच बताओ। बोल। मैं सच बोल रहा हूँ सर। आमिर अपना फोन दो। सर कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कानून को कानून सिखा रहा है मैडम। आमिर मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाँ भाई अंकल को सब सच बताओ। सर चुप कर रहे हो? हाँ तू बोल। सर मैं और फहीम बहुत पुराने दोस्त हैं। हम लड़कियों को डेट पर ले जाते और छुपके से उनकी वीडियोस बना लेते थे। फिर तोते की तरह टर टर करना बंद कर और आगे बोल। फिर हम या तो उनसे पैसे मांगते थे या उनसे क्या उनसे या उनसे गलत काम करवाते थे। और तुमने साइमा से निकाह क्यों किया था? निकाह नहीं था वो। तो वो निकाह नामा फर्जी था। साइमा को हम ठेट पर भी देख कर गए थे। और कुछ लेना पसंद करेंगे आप लोग? कुछ खाओगे? नहीं यार ऐसे कैसे, मैं लेकर आता कुछ। आप लोग बातें करें, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है थैंक यू। सैमा ना पास आओ। हाँ नहीं नहीं फहीम ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? फहीम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ये सब, क्या कर रहे हो तुम? साइमा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ करते हैं लेकिन ये सब ठीक नहीं है।
तो मेरे पास नहीं आओगे? नहीं। ये सब क्या है? तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और ये वीडियो में तुम्हारे घर वालों को दिखा। फहीम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, जो मैं कहूंगा तुम्हें करना होगा, वरना क्या सोचो? सर, इन सब क्या कर रहे हैं आप? पहले छोड़ो। हाँ भाई, ओवर एक्टर, सायमा को क्यों भगाया था तूने? मैंने सायमा को नहीं भगाया, वो खुद मेरे पास आई थी और निकाह नामा वो अपने साथ लेकर आई थी। जब सायमा के अम्मी अबू मेरे दरवाजे पर आए तो मैं घबरा गया था और सिग्नेचर कर दिया मैंने। जब सायमा अपने घर आई तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन रुखसती वाले दिन मुझे खबर मिली कि उसके बाप ने उसे मार दिया। सायमा को सलीम ने नहीं मारा, तुमने मारा है, और तुम जैसे लड़कों ने पता नहीं कितनी बेटियों को मारा है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। लेकिन कातिल आपके सामने। बकवास बंद करो, कातिल तुम हो। तुमने सायमा को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करना ज्यादा आसान समझा। तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, जानवर हो, जानवर। साहब, इन दोनों को ऐसे इबरतनाक सजा दें कि कोई भी किसी की बेटी के साथ खेलने से पहले हजार बार सोचे। बिल्कुल सलीम साहब, अदालत तो जरूर सजा देगी इन्हें रोमी, लेकिन एक सजा है जो एक बाप भी देगा। रोमी, मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना है।